दूध में हल्दी मिलाकर पीने के फायदे आपको 1 करोड़ खर्च करके भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बीमारी या फिर दर्द चोट लगने पर हमारी माँ या दादी हमें हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती है, है ना। दूध वो भी हल्दी के साथ, एक कॉम्बिनेशन सुनकर ही अजीब लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी वाला दूध कई औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्दी की एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज और दूध में मौजूद कैल्शियम, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हल्दी दूध के गुण और भी बढ़ जाते हैं। अगर आप इसे गुणों को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हल्दी पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। यह आसानी से किसी भी सब्जी वाले या फिर वेजिटेबल स्टोर्स में मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो दूध और हल्दी दोनों के बहुत से फायदे होते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जो कि हमें एनर्जी देता है, जो कि हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। दूसरी ओर हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो कि बीमारियों से बचाती है। और अगर इन दोनों चीजों का मिश्रण बनाकर, यानी कि दूध और हल्दी को मिलाकर उस दूध को पिया जाए तो समझिए वो हमारे लिए अमृत है, खासकर इस ठंड के मौसम में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हल्दी दूध बनाना कैसे है और इसे पीने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दूध को बनाना कैसे है और किस तरीके से इसका सेवन करना है, फिर हम आगे जानेंगे कि क्या फायदे हैं। दोस्तों, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना होगा। अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है, मोटापा बढ़ा हुआ है, आप वेट गेन नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर दूध आपको फैट फ्री वाला लेना है। फैट फ्री दूध ना मिले तो आप गाय का नॉर्मल दूध लीजिएगा। या फिर आप काफी दुबले पतले हैं, आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, आप जिम एक्सरसाइज करने को जाते हैं, तो आप यहाँ पर गाय के दूध की जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल कीजिए। भैंस के दूध में दोस्तों काफी मात्रा में फैट होता है जो मसल्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध लेना है और उसमें आपको आधी छोटी चम्मच हल्दी मिला देनी है और दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है। अगर आप मिठास चाहते हो तो आप इसमें मिश्री मिला लीजिए या फिर गुड़ मिलाइए, लेकिन गुड़ ऐसे नहीं मिलाना है। गुड़ जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें ऐड करना है, नहीं तो दूध फट जाएगी। तो क्या करना है, दूध को बॉयल करके किसी मग में या फिर गिलास में निकाल लेना है। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें 1 चम्मच गुड़ मिला दीजिए। और गुड़ भी आपको किस तरह का खाना है, ये तांबे कलर का देख रहे हो, इसी तरह का गुड़ आपको इस्तेमाल में लाना है। जो बाजार में हल्के सफेद कलर का, हल्के पीले कलर का गुड़ मिलता है वो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व ना के बराबर होते हैं। लेकिन ये गाढ़े कलर का यानी चॉकलेटी कलर का जो गुड़ होता है, ये पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। इसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और इस दूध को आपको रात को सोने से आधे घंटे पहले पीना है। चलिए, इस तरह अगर आप दूध पीते हैं इस ठंड के मौसम में तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके शरीर को बहुत से फायदे होंगे। जो सबसे पहला फायदा होगा वो है चोट जल्दी सही होगी। कभी कभी हमें 2 तरह के चोट लगती है, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी है, बाहर लगी है या फिर इंटरनल चोट है, तो ऐसे में आप अगर हल्दी वाला दूध पीते हैं तो वो आपकी चोट को 10 गुना जल्दी सही करते हैं। इसके बाद जो आपको अगला फायदा होगा वो है आपकी पेट की बीमारियां। पेट की बीमारियां जैसे कि बहुत से लोगों को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, और वैसे भी लोग हैं जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्जे की समस्या रहती है, तो इन सभी लोगों को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, अगर आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, खुजली होती हो, मुहासे आ गए हैं, है ना, तो इन सभी केसेस में अगर आप इस हल्दी वाला दूध पियेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो हल्दी है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। अगर आप हल्दी वाला दूध रात को पियेंगे तो आप अपने पिंपल्स को सही कर सकते हो, स्किन के इन्फेक्शन को, खुजली को, इन सभी चीजों को आप सही कर सकते हो। इसके अलावा हल्दी वाला दूध पीने से दोस्तों आपका खून साफ होता है, और खून साफ होने से पिंपल्स तो गायब होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे पे नेचुरल चमक आएगी। जी हाँ, चेहरा आपका ग्लो हो जाएगा, निखर जाएगा। इसके साथ ही अगले फायदे के बारे में बात की जाए तो बहुत से लोगों के अभी ठंड के मौसम में हाथ पैर में दर्द की समस्या होती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रात को जब वो सोते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, तो इस तरह के दर्द को खत्म करने के लिए ये हल्दी वाला दूध पीना चाहिए और लगातार इस पूरे ठंड के मौसम में पीना चाहिए। आपको कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फायदे हल्दी वाले दूध पीने के। हल्दी वाला दूध पीजिए और अपने शरीर को सही कीजिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है हल्दी की, उतनी ही क्वांटिटी आपको दूध में ऐड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हल्दी वाला दूध रेगुलर पीते हो तो कमेंट्स कर जरूर बताना, और इसके आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं ये भी बताना। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।